हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ हैं। आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी वाली हरी सब्जी, जिसमें कोई ज़्यादा मसाला नहीं है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड, ये है केले की एकदम वेज रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक केला लिया है, एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। आप इसको ऐसे ही लेके बारीक ऐसे ही चॉप कर लीजिए, काट लीजिए। और इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें लिया है, आपको स्पाइसी आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दाल की बड़ी ली है, हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है। छौंक के लिए मैंने यहाँ पे 5 फोड़न, मतलब 5 तरह के मसाले का जो पंचफोड़न बोलते हैं, वो लिया है। और अब हम सब्जी बनाने की आगे की तैयारी करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इसलिए डाला है, सरसों का तेल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब तेल हमारी गर्म हो जाएगी, इसी के अंदर हमें जो हमारा 5 फोड़न है, आपके पास अगर 5 फोड़न मसाला नहीं है, 5 तरह के मसाले मिक्स नहीं है, आप यहाँ पे जीरा डाल के भी इसका छौंक लगा सकते हैं। इससे कोई भी टेस्ट में बदलाव नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा खुशबू इसका अच्छा आता है, इसलिए जो वेज सब्जी होती है मैं उसमें ये डालती हूँ। तो जब तेल गर्म हो जाएगी, इसी के अंदर हम 5 फोड़न डाल के थोड़ा सा चटकने देंगे, उसी के अंदर हम बड़ी डाल देंगे। ये बड़ी दाल की बड़ी है, आप कोई सा भी बड़ी डाल सकते हैं। जो वेज सब्जी होती है उसके अंदर बड़ी डालने से उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। बड़ी हमारी जब भुन जाएगी, उसी के अंदर जो हमने हमारे जो सब्जियाँ काट के रखी है उसको भी हम डाल देंगे। सब्जियों को डालने के बाद इसको हमें कढ़ाई में ऐसे ही करके थोड़ी देर इसको फ्राई करना है, अच्छे से पलट पुलट इधर उधर पलट पुलट के अच्छे से फ्राई करना है, ताकि सब्जियाँ टेस्ट में अच्छे लगे। कोई सी भी सब्जी आप बहुत ज़्यादा फ्राई करके बनाएंगे तो आपकी सब्जी जो है खाने में बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप ऐसे ही करके सारी सब्जियों को थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई कर लीजिएगा, भून लीजिएगा। ये मैं रसीला वाला सब्जी बनाऊँगी, जिसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब इसी स्टेज में यहाँ पर नमक, हल्दी और जीरा धनिया पाउडर जो है उसको भी मिला लूँगी। मिला के इसको भी थोड़ी देर ऐसे ही हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और देखिए, अब जो सब्जियां हैं मेरी फ्राई हो चुकी है लगभग। इसी के अंदर मैं स्वाद आपको जितना करी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं पानी डाल दूंगी। पानी आपको उतना ही डालना है जितना कि आपके सब्जी में गलने के लिए चाहिए, आपको जितना ग्रेवी चाहिए। सब पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढक देंगे ताकि सब्जी हमारी गल जाए। तो देखिए, मैंने ढक दिया था, उसके बाद मैंने फिर से निकाल लिया है। मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ी सी सब्जी इसको गलने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही करके ढक के पका लूँगी, ताकि जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड, अब मैंने फिर से इसको खोल लिया है, यहाँ पर मेरी सब्जियाँ जो है बिल्कुल गल चुकी है, पक चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रेवी बिल्कुल पतली पतली है, तो वैसे भी ये करी जो है पतली पतली ग्रेवी होती है। इस ग्रेवी को थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आलू और केले को ऐसे ही करछी के मदद से, आप इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा गला दीजिए, ताकि जो इसका ग्रेवी है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं लास्ट में थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालूँगी। आपको अगर धनिया के पत्ते पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को धनिया का फ्लेवर जो है धनिया के पत्ते का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। और ये सर्दियों का टाइम है, यहाँ पे हमें धनिया का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर सब्जी में धनिया के पत्ते डालती हूँ। आप आपकी चॉइस है, आपको अगर पसंद है तो आप डालिएगा, नहीं पसंद है आप नहीं मत डालिएगा। तो फ्रेंड, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और प्लीज़ 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 लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेके आती रहूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी जो रेसिपी है बनके रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे सर्व कर लिया है। आप इसको राइस के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ भी बहुत ही अच्छे से इसको खा सकते हैं। और इसको एकदम बिल्कुल ही जैसे कि आपके घर में कोई पेशेंट है, बीमार है, उसको भी खिला सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारा लाभ होता है। तो फ्रेंड,
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू।